अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। अहमदनगर डिवीजन में सीपीएम पार्टी की जानिब से गरीब लोगों में राशन को तकसीम किया गया। सीपीएम पार्टी के सेक्रेटरी एम श्रीनिवास इस काम को अंजाम दिया। इनके अलावा अरशद अहमद के अलावा दिगर लोग भी मौजूद थे। बाद में क्राइम टूर से बात करते हुए एम श्रीनिवास ने ये सारे तफसीलात बताए। वाजे रहे कि लॉकडाउन के चलते कई लोग परेशान हैं और इसी वजह से हर पॉलिटिकल पार्टी अवाम की मदद के लिए सामने आ रहे हैं और अवाम को राशन तकसीम कर रहे हैं, ताकि ये रमजान का महीना भी अच्छा सा गुजरे और लॉकडाउन जब तक है तब तक ये लोग अनाज के लिए परेशान ना हो। शेख शफी के साथ में शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। आज सीपीएम अहमदनगर कमेटी के तरफ से जो गरीब लोगों के लिए चावल, दाल, आटा और फूड आइटम्स अभी डिस्ट्रीब्यूट किया। आज नहीं, डे वन से यहाँ के कमेटी हमें अरशद के लीडरशिप में डेली गरीबों के लिए ये सर्विस एक्टिविटी हो रहा। यहाँ एक ही नहीं, हॉस्पिटलों में भी जाके वहाँ पे भी मदद किया। ये कोरोना आज की पोजीशन में कोरोना के वजह से काम नहीं है, काम बंद हो गया, पूरा इंडस्ट्री बंद हो गया, पूरा दुकाना बंद हो गया। छोटे मोटे गरीब लोग, छोटे मोटे कारोबार करने वाला पूरे लोग बहुत परेशान है। ये परेशानी के टाइम पे ये सभी लोग मदद करना है गरीबों के लिए। ये मदद हम सीपीएम का हैदराबाद सिटी में हर जगह पे, जो माइग्रेंट लेबर हो, स्लम बस्तियों में रहने वाला जो गरीब लोग हैं, पूरों को हम हैदराबाद मदद किया। बहुत ज़्यादा लोग आज सामने आके ये मदद कर रहे हैं। ये कोरोना को रोकने के लिए पूरा पब्लिक अवेयरनेस में, कोरोना को रोकने के लिए ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, जो एक्टिविटी अभी गवर्नमेंट बता रहे वो करना है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कोरोना रोकने के लिए जो कदम, सही कदम नहीं उठाने की वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ गया। जो फॉरेन से जो ट्रैवलर्स आ रहा, उसको रोकना, उसको सही तरीके से स्क्रीनिंग करने से जो फेल हो गया, उसके वजह से इंडिया में पूरा ये फैल गया। एक गवर्नमेंट की वजह से, सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से हुआ, उसका फेल्यूर है। जो चाइना में कैसा रोक दिया, आज केरला में कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट कैसा रोक रहे, वो तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करने की वजह से ये तकलीफ आ गया। उसको जो हिंदू मुसलमान जैसा एक प्रॉब्लम, एक कम्युनल वायरस बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा, वो हिंदुस्तान के लिए अच्छे नहीं है। पब्लिक यूनाइट, ये कोरोना के खिलाफ हम फाइट करना, ये फाइट में लेबर को, गरीबों को हम सभी लोग मदद करेंगे। एकजुट होके ये कोरोना को रोकने के लिए हम पूरा कोशिश करेंगे। सीपीएम पार्टी उसके लिए पूरा काम कर रहे हैं।